रसोई में स्वागत है आप सबका दिल से हमेशा की तरह। अभी चल रही है नवरात्रियां, तो आज है षष्ठी। आपको पता ही है कि बंगालियों में षष्ठी, सप्तमी और अष्टमी कितने अच्छे से मनाई जाती है, तो मैं भी आज अच्छे से षष्ठी मनाने जा रही हूँ। और उसके साथ मैंने एक नई सी रेसिपी बनाई है। मैंने सोचा माँ दुर्गा को एक नई सी डिश का भोग लगाते जो कि बंगाल में बहुत फेमस है। तो आज हम बनाएंगे, तो आज हम बना रहे हैं मिष्टी दोई। देखिए, देख रहे हैं आप कितनी बढ़िया जमी है। इसको बनाना बहुत आसान है, कल मैंने इसको बना के रख लिया था। आपको पूरी रेसिपी बता रही हूँ मैं, और इसका देखिए कितनी बढ़िया लग रही है ना। तो जल्दी से हम रसोई में चलते हैं और इसकी आसान से रेसिपी जानते हैं। देखा मिष्टी दोई हमारी कितनी टेस्टी और कितनी यम्मी दिख रही थी, और उसको बनाना बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कलर के लिए सबसे पहले हम बनाते हैं कैरेमल, है ना। हम ही डाल रहे हैं शक्कर, इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे। ये देखिए मैंने इतनी शक्कर डाल दी है। 1 लीटर मैंने दूध लिया है, और शक्कर जो लिया है मैंने 200 ग्राम शक्कर लिया है ना। ये बिना पानी के ही हम इसको चलाएंगे तो ये अपने आप ही पिघलती जाएगी। देखिए शक्कर एकदम मेल्ट होने लगी बिना पानी की, क्योंकि इससे जो कैरेमल का जो कलर आता है वो बहुत ही बढ़िया आता है। कई लोग इसको व्हाइट भी बनाते हैं, बट मुझे थोड़ा सा कैरेमलाइज बनाना था, इसलिए मैंने कहा इसको बहुत ही ईजी तरीका बता रही हूँ मैं। कई बार लोग क्या करते हैं, पहले दूध को उबालते हैं फिर ऐसा करते हैं, लेकिन मैंने आपको बहुत ही इजी रेसिपी बताने वाली हूँ आज। इसको थोड़ी देर हम और करते हैं, एकदम से बिल्कुल पानी जैसे पिघल जाएगी। बढ़िया हमारे कैरमलाइज हुआ है, बहुत ही बढ़िया सा हुआ है। अगर इसमें थोड़े बहुत क्रिस्टल रह भी जाते हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है, जब हम इसमें साथ में दूध उबालेंगे ना तो ये एकदम परफेक्ट हो जाएगा। लेकिन हम इसको एकदम अच्छे से बिल्कुल स्मूथ सा बना लेंगे। देखिए कितना बढ़िया हुआ है ना। और हमारा जो बनाने का तरीका है वो भी एकदम से इजी है, कोई भी इसको आसानी से बना लेगा। जनरली लोग क्या करते हैं, इसको अलग बनाते हैं, दूध को अलग उबालते हैं। मैं आपको एकदम आसान सा तरीका बता रही हूँ। देखिए एकदम बढ़िया हो गया। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको और उबलने देते हैं, 1 से 2 मिनट और। देखिए एकदम हमारा परफेक्ट तैयार हो गया है कैरमलाइज। अब हम क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे पूरा 1 लीटर दूध। देखिए कितना प्यारा कलर आया है हमारा इसका दूध का। अब हम इसको उबलने देंगे करीब 20 से 25 मिनट, जिससे कि ये एकदम से ठीक हो जाए, दूध जो है हमारा थोड़ा सा ठीक हो जाए और इसका कलर जो है वो बहुत ही बढ़िया सा आ जाए। देखिए कितना बढ़िया सा आ रहा है। ये देखिए ये जो क्रिस्टल है ना, ये भी एकदम से घुल जाएंगे, क्योंकि हमने गरम गरम में डाला ना, इसलिए 1-2 क्रिस्टल आ गए, लेकिन ये दूध में आराम से अच्छे से उबलने तक घुल जाएंगे। देखिए दूध पक के हमारा काफी आधा हो गया है, थोड़ा सा और हो जाए, मतलब जो हमारा 1 लीटर दूध है वो ज्यादा से ज्यादा 400 ग्राम रह जाए, मतलब आधा जो छनक जाता है, जब एकदम से गाढ़ा दूध हो जाएगा तब हम इसको ठंडा करने के लिए रखेंगे। अभी इसको हम 5 से 7 मिनट और उबालेंगे। देखिए कितना बढ़िया कलर आया है, और आपको दिख रहा होगा कि दूध हमारा जो था वो आधा हो चुका है। बस थोड़ा सा हम और करेंगे, और साइड से जो है ये है इसको भी ऐसे खुरस लेंगे, जिससे कि हमारा जो मिष्टी दोई है वो बहुत ही थिक सी बने। देखिए हमारा मिष्टी दोई के लिए दूध एकदम रेडी हो गया, और कितना थिक और कितना बढ़िया हो गया ना। अब हम इस स्टेज पर डाल देंगे इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर, करीब 10-12 इलायची का पाउडर मैंने बना लिया था, ये डाल दिया इसमें, और गैस को कर दूंगी मैं ऑफ। इसको इतना ठंडा होने देते हैं कि अगर हम उंगली डालें तो ये हमारी उंगली को गर्म तो लगे लेकिन ठंडा ना हो। इसको मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ ठंडा करने के लिए। फिर देखिए ये बहुत ही बढ़िया मिट्टी के सकोरे हैं, देखिए मैंने बनाए हैं, ये कितने बढ़िया से डिजाइन बनाई है मैंने। तो इसमें हम इसको जमाएंगे। इसमें जमाने का भी एक ये होता है कि क्योंकि इसमें पानी सोख लेता है तो हमारा जो मिष्टी दोई होगा वो बहुत ही ठीक और बहुत अच्छा बनेगा। तो हम इसका इंतजार करते हैं थोड़ा ठंडे होने तक। देखिए मिष्टी दोई हमारा एकदम बिल्कुल ठंडा हो गया एकदम, मतलब मैं इसमें उंगली अगर डाल रही हूँ तो ये एकदम डाल पा रही, मतलब एकदम कुनकुना सा बिल्कुल। अब हम क्या करेंगे, ये 1 किलो दूध है ना, तो इसमें हम पूरी 3 चम्मच भरकर दही डालेंगे। देखिए 2 और ये 3, बस ज्यादा नहीं डालेंगे, और दही जो है वो खट्टी नहीं होनी चाहिए, और इसको हम अच्छे से घोल लेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया हमारा अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया इसमें। अब हम क्या करेंगे, अपने सकोरों में ऐसे ही डाल देंगे इसमें। देखिए हमारा ये कांच का बाउल है, जरूरी नहीं है कि सकोरों में ही जमाए, हम कांच के बाउल में भी अच्छे से इसको जमा सकते हैं। ये देखिए कांच के बाउल में भी हम इसमें रख देते हैं, और इसको भी हमें रखना है करीब 10 से 12 घंटे थोड़े से गर्म तापमान में, जैसे कि माइक्रोवेव के अंदर रख दें आप, जिसको ऑन ना करें, बस माइक्रोवेव का ढक्कन लगा दें, मतलब गेट लगा दें और उसमें रख दें, और इसको अच्छे से एक बार फिर से चला दें। ये देखिए बस, और इसको हम रख देते हैं 10 से 12 घंटे के लिए। अब हम कल मिलेंगे आपसे मिष्टी दोई के साथ। देखिए अब हम क्या करेंगे,
उसको अच्छे से इसको ऐसे ढक देंगे और उसको माइक्रोवेव के अंदर रख देंगे, जिससे कि ये बिल्कुल अच्छे से हो जाएगी। देखिए सारा को हम ऐसे ढक देंगे। इतनी अच्छे हमारे 14 घंटे हो चुके हैं और मिष्टी दोई यानी कि मीठा दही, वाओ देखिए कितना अच्छे से तैयार हुआ है। ये देखिए हुआ है ना बहुत ही अच्छे से तरीके से तैयार। ये देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है। इसको हम उल्टा करेंगे तब भी ये ऐसे ही रहेगा। तो आप भी मिष्टी दोई बनाइए और नवरात्रि में आनंद लीजिए, क्योंकि नवरात्रि ये वाली नवरात्रि में गर्मी बहुत होती है ना, तो हम इसे मीठा दही ऐसा बना के रख सकते हैं और इसको कम से कम 4 दिन तक इसका एंजॉय कर सकते हैं। तो फटाफट से आप भी इसको बनाइए, खाइए, खिलाइए और नवरात्रि का आनंद लीजिए। और मैं भी जाती हूँ पंडाल में थोड़ा सा बंगालियों के साथ पूजा करने के लिए। कल फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, जब तक एंजॉय मिष्टी दही। 12 से 14 घंटे हो चुके हैं और मैं अच्छे से रेडी भी हो गई हूँ, क्योंकि आज है षष्ठी और षष्ठी आप जानते ही हैं कि बंगालियों में कितने अच्छे से मनाई जाती है। तो आज मैंने भी पूरा बंगाली गेटअप किया है, क्योंकि मुझे आज झांकी के पंडाल में जाना है और मैंने बनाई है। देखिए कितनी बढ़िया सी मिष्टी दोई, आप देख के ही आपको लग रहा होगा कि कितनी बढ़िया सी दिख रही है ना। इसको मैं ओपन कर लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि कितनी